रविया, मैं आपके सोलार प्लेक्सिस चक्र को हील करूं? या श्योर? ओके, पहले परमिशन ले ली। अब मैंने जो है, ये रहा सोलार प्लेक्सिस, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये नाभि है, नाभि के ऊपर मैंने यहाँ पर ये टच किया और ऐसे रखा। अब पेंडुलम डिसाइड करियो भाई कि पॉजिटिव निकालना है, पॉजिटिव डालना है, नेगेटिव निकालना है, तो नेगेटिव निकालना है। मतलब इसके सोलार प्लेक्सिस में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है। नव्या बेटा, क्या खाया था आपने? नूडल्स नूडल्स खाया था। ये नूडल्स की कमाल देखो, नेगेटिव एनर्जी। तो डरिए, डर मत। कुछ हो रहा है पेट में? क्या हो रहा है? गदगली गुदगुदी हो रही है उसको। पहली बार इसको मैं हिल कर रहा हूँ ऐसे, इसको कभी भी पेंडुलम से हिल नहीं किया है। मतलब ये रिकॉग्नाइज कर पा रही है कि उसको सोलार प्लेक्सिस चक्र में कुछ हो रहा है, गुदगुदी हो रही है। वेरी गुड। छोटे बच्चे तुरंत हमें सेंसिटिव होते तो तुरंत हमें वो बता सकते हैं। अभी भी नेगेटिव एनर्जी देखिए निकल रही है। कभी कभार नेगेटिव एनर्जी इतनी होती है 10 मिनट तक घूमना पड़ता है उसको। अब देखिए ये स्लो हो रहा है और ये अब क्लॉकवाइज घूमने लगा है। मतलब अभी पॉजिटिव एनर्जी, रेकी एनर्जी जा रही है। पॉजिटिव ही है। अब देखो ये बैलेंस हो गया। अब जब तक ये रुकता नहीं है तब तक इसको पकड़ के रखना है। और इसको थैंक यू कहना है। अभी आपको इसके हार्ट चक्र के लिए करना है। समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया? पक्का बैठ के बढ़िया। करेंगे क्या? अब उनको पहले बोलिए, क्या मैं तुम्हारा हार्ट क्या चक्र मैं हील आपका कर? हार्ट चक्र हील कर दूं? नेगेटिव एनर्जी नहीं है इसमें। सर देखो ये क्लॉकवाइज घूमने लगा। अगर होगा तो निकलेगा, नहीं होगा तो क्यों निकले भाई? और छोटे बच्चों को कहाँ ऐसा ग्रीफ, कहाँ उनका कुछ दिल टूटने वाला है, कहाँ कोई टेंशन है। सिर्फ रेकी जा रही है देखो उसके सोलह हार्ट चक्र में। कुछ हो रहा है बेटा नव्या? क्या हो रहा है? गुदगुदी हो रही है। उसको पहली बार किया है, इसके पहले कभी इसको पेंडुलम का ट्रायल में कभी बुलाया नहीं। अंदर दो लड़कियां हैं ना मेरी, उनके ऊपर बहुत ट्रायल हो गए, इसलिए वो आपको न्यूट्रल आंसर नहीं देगी। इसलिए मैंने बताया कि चलो इसके ऊपर करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा लगेगा, ये देखो क्या होता है। उसको फील हो रहा है, गुदगुदी फील हो रही है। मतलब अभी भी हो रही है गुदगुदी? एनर्जी जा रही है ना। और बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो ये चीज़ को अनुभव कर पाते हैं कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। और ये बहुत फास्ट तरीका है, पर रेकी वाले इसे करते हैं तो होता क्या है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी निकली वो किसके ओरा में गई? आपके। पॉजिटिव एनर्जी गई किसके ओरा से निकली? आपके। तो आपके ओरा ने इसको टेकल किया। अगर कोई रेकी नहीं करता और वो चक्रा हीलिंग करेगा तो नेगेटिव एनर्जी अपने ओरा में डालेगा, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाएगी? इसलिए जो रेकी लेवल 3 या मास्टर करते हैं उन्हीं को पेंडुलम से चक्रा हील करना सिखाते हैं। बाकी सब सर अब ये अब सीधा हो गया बिल्कुल। अब हाँ बैलेंस हो रहा है। मतलब वो बोल रहा है मेरा काम खत्म हो रहा है, मैं अभी सिग्नेचर कर रहा हूँ, उस टाइम लगा रहा हूँ। और इट अब इसको विशाल ही बोलना है। हाँ थैंक यू विशाल, थैंक यू विशाल, थैंक यू नव्या, थैंक यू नव्या।